शासकीय क्रीड़ा संकुल में बनाया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब खेलने वालों को 3,000 से 5,000 रुपए देने होंगे, तो वहीं सिखाने वालों को 1,000 रुपए प्रति खिलाड़ी और फुटबॉल वालों को 1,00,000 रुपए सालाना भरने पड़ेंगे। 2 दिन पूर्व विवादों से भरा सिंथेटिक ट्रक लोकार्पण कार्यक्रम और जिला क्रीड़ा अधिकारी के उठपटांग कार्य का हंगामा अभी रुका भी नहीं था, तो प्रवासी जिला क्रीड़ा अधिकारी अविनाश पुंड ने एक और पराक्रम कर दिया, जहां एक ओर पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार अपनी ताकत लगाकर बड़े बड़े फंड लाकर क्रीड़ा संकुल का उद्धार करके वहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं भ्रष्टाचार से भरे क्रीड़ा कार्यालय के जिला क्रीड़ा अधिकारी ने जिला स्टेडियम को अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक ओर खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने के बाद मुफ्त में क्रीड़ा साहित्य और प्रशिक्षण मिलना चाहिए, वहीं इस क्रीड़ा अधिकारी ने स्टेडियम के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाकर अब स्टेडियम में प्रवेश करने वाले खिलाड़ियों और लोगों पर भारी भरकम शुल्क लगा दिया है, जिसके खिलाफ लोगों में और खिलाड़ियों में जबरदस्त रोष उत्पन्न हो गया है। दरअसल इस नियमावली बैनर के अनुसार अब खिलाड़ियों को 300 रुपए महीना और 3,000 रुपए वार्षिक, क्रीड़ा प्रेमी और बाकी लोगों को 500 रुपए महीना और 5,000 वार्षिक, सिखाने वाले प्रशिक्षकों को 5,000 रुपए प्रति खिलाड़ी प्रति वर्ष और फुटबॉल ग्राउंड यूज करने के लिए 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष भरने होंगे। उसी तरह आप कोई भी बिना जूता पहने और बिना स्पोर्ट्स किट के स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ऐसा तुगलकी फरमान जिला क्रीड़ा अधिकारी ने जारी किया है। शायद वे ये भूल गए हैं कि हमारे देश में मैदानी खेल खेलने के लिए अब गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे भी आते हैं, जिनके पास में स्कूल के लिए भी ड्रेस और जूते नहीं होते। उसी तरह से खिलाड़ियों के अलावा यहां आने वालों की संख्या ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों की भी है, जो अपने स्वास्थ्य हेतु वॉकिंग करने आते हैं। क्या वह वरिष्ठ नागरिक अपने रिटायरमेंट के बाद अपने स्वास्थ्य के लिए 5,000 रुपए सालाना क्रीड़ा अधिकारी को देंगे, ये देखने वाली बात होगी। सर, ते आम्हाला परवडणार नाही, कारण तर आम्ही खेडेगावातून आलेलो आहोत, ग्रामीण भागातून, जेणेकरून आमचे आई बाबा शेती करतात, तेवढं पैसा देऊ शकत नाही, त्यामुळे आम्ही तेवढाली फीज वगैरे पेड करण्याकरिता। चंद्रपूरचं जिल्हा क्रीडा संकुल, मासा कन्नमवार जिल्हा क्रीडा संकुल म्हणजे जिल्हा स्टेडियम, हे एकमात्र ठिकाण आहे ज्या ठिकाणी आमच्या जिल्ह्यातील गोर गरीब पोरं, जीवतीवरून येणारे, गोंडपिपरी तालुक्यातून येणारे, मूल तालुक्यातून येणारे, असे सगळ्या विविध मागासलेल्या तालुक्यातून येणारे खेळाडू बनण्यासाठी इच्छुक असलेले, सराव करणारे आणि वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षासाठी सराव करणारे जे खेळाडू आहेत, युवक आहेत, त्यांच्यासाठी जिल्हा क्रीडा संकुल एकमेव ठिकाण आहे। आणि इथं आम्ही राज्यस्तरीय, राज्यासाठी, देशासाठी, जिल्ह्यासाठी योगदान देणारे खेळाडू निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो। अनेक खेळाडू असे आहेत की त्यांच्याकडे उपजीविकेचं काही साधन नाही, घरची परिस्थिती अतिशय हलाकीची आहे, असं असताना आज या ठिकाणी 300 रुपये महिना, 500 रुपये महिना, वर्षाचे 3,000 5,000, फुटबॉल ग्राउंडसाठी जर वर्षाचे 1,00,000 रुपये अशा पद्धतीचे दर या ठिकाणी आकारण्यात आल्याचा फलक लावण्यात आला आहे, या फलकाचा आम्ही विरोध करतो। आज सुबह मॉर्निंग वॉक जब जिल्हा क्रीडा संकुल के पास से गुजर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा फलक लगाया था कि जिला क्रीड़ा संकुल में नियमावली क्या होनी चाहिए, लेकिन नियमावली के साथ किस तरह से आम पब्लिक से, खिलाड़ियों से शुल्क आकारने का वो नियमावली था। तो हमारी यही मांगनी है कि बच्चे अपने खेल से अपना खुद का करियर बनाते हैं, और आज ये डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, यहाँ पे बाहर से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, और कुछ तो बस्ती गृह में भी रहते हैं, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई पे का खर्चा, रहने का खर्चा निकाल के अगर खेलों में अपना करियर बनाना है तो वो कहाँ से एक्स्ट्रा मनी लाएंगे, उनके घर से तो सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाता है। तो वो निःशुल्क होना चाहिए, जो आम पब्लिक यहाँ पे आ रही है तो उनको मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक सूट और शूज़ कंपलसरी किए हैं। अब कुछ जनता ऐसी भी है कि वो चप्पल पहन के भी आती है, तो उसमें नियमावली में लिखा है कि उनको स्टेडियम से बाहर किया जाएगा। तो ये जो नियमावली लगी है तो इसके ऊपर हमारा सभी का आक्षेप है। हमारा कहना है कि आम पब्लिक के लिए जिला स्टेडियम हमेशा निःशुल्क ही रहना चाहिए, ये मांग लेके हमने एक जिलाधिकारी को निवेदन दिया है। NBC न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, चंद्रपुर।